आप याद करो भाई साहब, 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ था। क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, स्कूल के लिए सब शिक्षा, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए सब शिक्षा अभियान चला था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग हम विकास किए थे। राजीव गांधी विद्युत योजना आप देख रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री विद्युत योजना था। मित्रों, कोई ऐसा मॉडल देखो विश्व के नेताओं के बीच में, जब अटल जी बैठते थे, जब अमेरिका और रूस का राष्ट्रपति जब बैठा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी को देश भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्रधानमंत्री था जो बीच में खड़ा करके और जो उन का चेयर्स होता है चेयर्स किया था, हमारा सम्मान रहा था, परमाणु विस्फोट किए थे हमने, हमारा देश का सम्मान रहा था। तो हम इस देश के विकास के लिए संघर्ष किया है, नई नई परियोजनाएं दी, ऐसी सड़कें बनाई, आप सड़क की कल्पना नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना बना, चतुर्भुज योजना बना, आज चारों ओर भारत के चारों तरह के बाद 500 वर्षों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के शासन आया, 500 वर्षों के बाद, मित्रों मैं बता रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया था तो ऐसी सड़क मिली थी, तो लोग कहते हैं कि शेर शाह का जमाना याद आ गया। अब कल्पना करो, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, 600 वर्षों के शासन में हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगे, हमें हम उसका उससे भी नहीं डरा, लगा दो प्रतिबंध, हमने डीजल और पेट्रोल पर 1 रुपए का अधिभार लगाया जी। सूरत महानगर पालिका में कारपोरेटर माननीय श्री सुभाष भाई पाटिल, विधानसभा के इलेक्शन के लिए वोट डाले जाएंगे, इसमें गुजरात की दिशा और दशा तो बदलने का काम कोई किया है तो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। जहां तक इस इलेक्शन की बात करूं, इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वह मुख्य मुद्दा है विकास का। गुजरात में जब से भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सत्ता को संभाला है, तब से आज गुजरात एक मॉडल स्टेट के रूप में सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में अग्रिम हरोल में खड़ा हुआ है। मुझे बताते हुए आपको अति प्रसन्नता हो रही है कि आज सूरत महानगर पालिका का जो वार्षिक बजट है 3500 करोड़ का है। इस बजट में गरीब बालकों के पढ़ने के लिए, शिक्षा का स्कूल बनाने के लिए, आरोग्य की सुविधा के लिए आरोग्य सेंटर बनाने के लिए, ट्रैफिक की सरलता के लिए ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तमाम जो प्राथमिक बुनियादी समस्याओं के निराकरण के लिए जो बजट की जुगवाई की गई है, पूरे सूरत शहर का सर्वांगीण विकास हो, समतोल विकास हो, उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयत्न कर रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कुशल और पारदर्शी शासन में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो काम करने की शैली को एक नया रूप दिया है, वो लगातार 18-18 घंटे काम करके लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सूरत महानगर पालिका में ही केंद्र सरकार, जहां पर यूपीए कांग्रेस की सरकार केंद्र में है, सूरत महानगर पालिका द्वारा जो विकास के काम किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने अभी तक
मात्र 2 वर्षों में ही 12-12 अवार्ड दिया गया है सूरत महानगर पालिका को। यह एक ऐतिहासिक घटना है कि 2 वर्ष में केंद्र द्वारा महानगर पालिका को जो अवार्ड दिया गया है, यह कोई छोटी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। सूरत शहर एक औद्योगिक शहर है। इस औद्योगिक शहर में पूरे देश के तमाम प्रांतों के लोग अपनी रोजी रोटी अपने उद्योग व्यापार के लिए यहाँ पर बसे हुए हैं और सूरत शहर को खूबसूरत बनाने में सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। सभी के साथ सहकार से ही सूरत शहर आज इतना डेवलपमेंट किया है। मैं जानता हूं कि कभी भी किसी भी पार्टी का जब चरित्र और चेहरा बदल जाता है तो अब पार्टी गर्त में चली जाती है। आज वही हाल कांग्रेस की है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज 15 वर्ष से गुजरात में लगातार शासन कर रही है। इसके फलस्वरूप जो उपलब्धि हुई है, जो विकास हुआ है, उसमें खासकर माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक विकल्प है, एक विजन है सूरत शहर एक वैश्विक कक्षा का शहर बनाने के लिए, और उसी दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। आज आप सभी लोग जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आपका एक कारपोरेटर हूँ, आपके बीच का एक आदमी हूँ। आप लोग लगातार मुझे 2 बार जिताए हैं और मैं यही प्रयत्न करता हूँ आपके सुख दुख में लगातार करता रहूँ, और आप लोगों से हमेशा मिलने मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। इस वार्ड में पूरे लिम्बायत में जितने भी, अगर मैं सबसे अच्छा वार्ड अगर किसी को मानता हूं तो हमारा 37 नंबर वार्ड। हमेशा इन्होंने हमें सहयोग दिया है और मैं आशा रखता हूं कि आगे भी आप सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे, और मैं भी इतना प्रयत्न करता हूं कि तो हमेशा प्रयत्न करता हूं। आप सभी लोगों ने देखा था पहले यहां पर जो डेवलपमेंट के हमने काम किए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो मुझे प्रतिनिधित्व मिला आप सभी के समक्ष जो एग्जाम्पल है यहां पर। आज ये जो सभा आयोजित की गई है, इसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कलराज जी मिश्र, जो कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पधारने वाले हैं, उनके मार्गदर्शन पर की गई है। मित्रों, चुनाव का माहौल है, चुनावी बिगुल बज चुका है और इस 163 लिम्बायत विधानसभा की उम्मीदवार हमारी बहन संगीता पाटिल को उम्मीद करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मतदाता भाइयों एवं बहनों से विनती करूंगी कि आने वाले 13 तारीख को जो चुनाव है, उसमें आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में मतदान करें और साथ ही साथ दूसरों को भी कराएं, कमल पर वोट दें और हमारी संगीता बहन पाटिल को विजयी बनाएं। बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि सूरत की 12 विधानसभा में हमारे बीच एक ही महिला उम्मीदवार आई है, इसलिए बहनों को उत्साहित होकर के उसे जिताना है और उसे गांधीनगर तक पहुंचाना होगा। पूरे
की नजर 2012 विधानसभा पर लगी हुई है। सभी लोग टकटकी लगाकर गुजरात को देख रहे हैं, क्योंकि यह विधानसभा का चुनाव मात्र हमें मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि हमें 2014 का प्रधानमंत्री देने वाला है। भाइयों एवं बहनों, मैं सिर्फ आप लोगों से इस उम्मीद पर यहाँ आई हूँ कि 13 तारीख को कमल का बटन दबा करके सूरत की 12 विधानसभा को हमें जीतना है, 12 उम्मीदवारों को हमें गांधीनगर भेजना है और 2014 में माननीय मुख्यमंत्री श्री को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना है। जिस तरह गुजरात का विकास हुआ है बहनों, जिस तरह गुजरात के अंदर शांति सुरक्षा और सलामती है, उसी तरह यदि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरे देश का विकास होगा, पूरे देश की सुरक्षा होगी। बहनों, कुछ दिन पहले कांग्रेस ने एक फॉर्म निकाला था, घर नू घर। कांग्रेस को झूठ बोलने बहुत ही अच्छी तरह आता है, भ्रष्टाचार करती है, घोटाले करती है, इसके बाद बहुत ही सफाई के साथ झूठ बोल जाती है। बहनों, उसने घर नू घर का फॉर्म भरा, इसके पहले उसने राजस्थान में भी भरा था और दिल्ली में जहाँ की कांग्रेस की सरकार है, वहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी हैं, वहाँ पर आज तक किसी गरीब को एक भी मकान नहीं मिला, तो गुजरात में कहाँ से मिलेगा। और उस फॉर्म में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जीतेंगे तब। लोकसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर दूंगी, उनका चुनावी घोषणा पत्र था। चुनाव हो गए लेकिन आज तक महंगाई कम तो नहीं हुई बल्कि सुरसा के मुख की तरह बढ़ती ही गई। सुबह जब हम पेपर लेकर के बैठते हैं पढ़ते हैं तो सबसे पहले पता चलता है कि डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, रसोई गैस का भाव बढ़ गया। इस सभा में बैठी हमारी बहनों से मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग जब अपने घर का बजट देखती हैं, घर में जो रसोई गैस इस्तेमाल करती हैं, तो क्या एक साल में आप 6 सिलेंडर से काम चला सकती हैं? चला सकती हैं? जोर से बोलिए। 6 सिलेंडर के बाद उन्होंने सब्सिडी लगा दी है, आपको सिलेंडर चाहिए तो ब्लैक में खरीदिए। बड़ो हमारी मुख्यमंत्री ने तो यहाँ पर गैस पाइपलाइन की व्यवस्था की थी लेकिन वो भी केंद्र सरकार को रास नहीं आई और उन्होंने गैस पाइपलाइन को कहा कि ये तो केंद्र सरकार की परमिशन के बिना आपको नहीं करना चाहिए और बंद करा दिया। आज अगर गुजरात के अंदर गैस पाइपलाइन होती तो जितने परिवार गैस सिलेंडर यूज करते हैं उतने सिलेंडर बचते और वो देश के दूसरे राज्यों में काम आते। बहनों, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी पधार रहे हैं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए हो चुके हैं और सभी महानुभाव से मैं निवेदन करूंगा मंच पर सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जैसे ही मंच पर हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे ही मंच पर चढ़ेंगे, जोरदार भारत माता के साथ वंदे मातरम के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता।
हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कलराज मिश्र महाराज के हमारे यहाँ महानुभाव बैठे हुए कॉरपोरेटर श्री बैठे हुए हैं बोर्ड के, और तालियों से स्वागत करेंगे। और मंच पर बैठे हुए हमारे श्रीयों का और हमारे समाज के जो भी यहाँ अग्रणी बैठे हुए हैं उनका, श्रीमती नैनाबेन हमारी कॉरपोरेटर है उन पर बैठे हुए सभी महानुभाव का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब हमारे बीच भारतीय जनता के आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं हमारे इस समाज के और हमारे बीच आदरणीय श्री हमारे भ्राता श्री मनोज भाई शुक्ला से भी मैं निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, सभी का हमारे मेहमान श्री का स्वागत करेंगे। से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत श्री दया शंकर सिंह जी करेंगे, श्रीमती सुधाबेन पांडे से भी मैं निवेदन करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर की हमारी उपाध्यक्ष है, और हमारे बीच हमारे ब्राह्मण समाज के अग्रणी ऐसे राजा राम जी मिश्रा से भी मैं निवेदन करूंगा, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जोरदार तालियों से सभी उनका स्वागत करेंगे। धीरज भाई उपाध्याय से भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत करें। श्री फूलचंद मिश्रा दादा से भी मैं निवेदन करूंगा आकर के उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री राम किंकर ओझा जी से भी मैं निवेदन करूंगा उनका स्वागत करेंगे। राजेंद्र भाई उपाध्याय जी से मैं निवेदन करूंगा स्वागत करेंगे। उत्तर भारतीय सेल के कन्वीनर श्री विजय भाई पटेल से भी मैं निवेदन करूंगा उनका स्वागत करेंगे। हमारे शिक्षण समिति के सदस्य श्री गुलाब शंकर यादव जी से भी मैं निवेदन करूंगा, और हमारे बीच हमारी पूर्व कॉरपोरेटर श्रीमती शारदाबेन श्रीवास्तव जी से भी मैं निवेदन करूंगा, वो भी उनका स्वागत करेंगी। और श्री मती नैनाबेन जो हमारे बीच यहाँ पर कॉरपोरेटर श्री है मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, थोड़ा उनको चलने में तकलीफ है, इसलिए जो भी महानुभाव मैं उनसे कृपया निवेदन करूंगा एक बार हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का फूलों से स्वागत। श्रीमती नैनाबेन हमारी नायक जो कॉरपोरेटर श्री है आगे आ रही है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत करने के लिए, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। और हमारे बीच के शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत करेंगे। विजय भाई पांडे, उमाकांत पांडे, श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी, ब्रह्मदेव सिंह जी, बबलू शुक्ला, यशराज मौर्या जी, भारत माता की, जरा आवाज बुलंद होना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी महानगर की उपाध्यक्षा श्रीमती सुधा पांडे जी, सभासद दल के नेता श्री दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी मुंबई प्रदेश के मुंबई के महामंत्री श्री प्रेम शंकर पांडे जी, मंचस्थ श्री राजा मिश्रा जी, श्री गुलजारीलाल जी, श्री मनोज जी, हमारी कॉरपोरेटर श्रीमती नैना नायक जी, सुभाष पाटिल जी, अजय चौधरी जी, सभी हमारे बैठे हुए और नाम तो हमारे यादव जी हैं, विजय पटेल जी हैं, सब जी हैं, सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, बुजुर्ग भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मित्रों, आज गुजरात के चुनाव के दौरान
आपके बीच में आया हूँ। इसके पहले 84 विधानसभा में मैं एक सभा करके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपने जो स्वागत किया और जिस ढंग से अपनापन दिया है, इसके प्रति मैं आपका बहुत आभारी हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। यहां उत्तर भारतीय अधिक संख्या में, मैं समझता हूं कि 90% के आसपास जो मैं देख रहा हूं उत्तर भारतीयों का ही समूह है, जो यहाँ के लोगों के साथ अपने को समरस कर लिए और जब अपने को समरस कर लिया है तो पता नहीं लगता कौन बनारस का है और कौन सूरत का है। सभी सूरत के और सूरत की सूरत को सुंदर बनाने के लिए सब लोग सामूहिक रूप से अपने विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से, विभिन्न कार्यों के जरिए से लगातार लगे हुए हैं और इसी का परिणाम है कि सूरत विश्व के महानगरों में तेजी से विकास करने वाले महानगर में से एक माना जाने लगा है। ये सूरत के बारे में सर्वेक्षण आया है और इसने सूरत को इस दिशा में विकसित करने के लिए आप सब लोग जो प्राणपण से लगे हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इस समय गुजरात दुनिया भर के अंदर एक विकास का मॉडल के रूप में माना जा रहा है। दुनिया में भी जब राजनयिकों के बीच में चर्चा चलती है हिंदुस्तान के गरीबी के बारे में, जहां लोग चिंता व्यक्त करते हैं, वहीं हिंदुस्तान में गुजरात प्रदेश है, उस प्रदेश में एक ऐसा नेतृत्व है जिस नेतृत्व ने गुजरात का चौतरफा विकास किया है, ये भी लोग स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि वो विकास सामान्य विकास नहीं है। अगर विकास का कोई मॉडल देखना है तो जाकर गुजरात में देखाओ। ये विश्व के राजनयिकों के द्वारा चर्चा का विषय बना है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान के गरीबी के बारे में, हिंदुस्तान के आर्थिक विपन्नता के बारे में, हिंदुस्तान के पिछड़ेपन के बारे में जहां चर्चा होती है, वहीं दूसरी तरफ यह भी चर्चा होती है कि गुजरात हिंदुस्तान में एक गुजरात प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश का चौतरफा विकास हुआ है, जिस प्रदेश में बीपीएल की संख्या में कमी आई है, जिस प्रदेश में वहां का मुख्यमंत्री आम जनता के साथ सीधे सीधे संवाद करता है, जिस प्रदेश में गरीब के बारे में, नौजवानों के बारे में, माताओं बहनों के बारे में, छात्राओं के बारे में, छात्रों के बारे में मुख्यमंत्री विशेष चिंता करते हुए विशेष योजना बनाकर लोग आत्मनिर्भरता पूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, इस प्रकार के कार्यक्रमों को दे सका है, यह गुजरात अद्भुत प्रकार का विकास कर रहा है। यह चर्चा चलती है और इसलिए सभी राजनीतिक दल के लोगों को गुजरात से ईर्ष्या हो रही है। गुजरात के प्रति कई प्रकार की विपरीत टिप्पणियां करते हैं, अकेले टिप्पणी करते हैं कि गुजरात में गोधरा हुआ था, गोधरा कांड हो गया,
ये दुखद था, नहीं होना चाहिए। लेकिन गोधरा कांड होने के बाद गुजरात में जिस तरीके से, जिस तत्परता के साथ यहाँ के मुख्यमंत्री ने दंगे को नियंत्रित किया, उसकी जितनी प्रशंसा करनी चाहिए वो कम है, और अधिक करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नियंत्रित कर दिया था। गुजरात के इतिहास के बारे में मुझे पता है, गुजरात में जब दंगे हुआ करते थे तो जल्दी रुकते नहीं थे, महीनों चलते थे, महीनों। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दौरान की मैं बात बता रहा हूं, माधव सिंह सोलंकी यहां के मुख्यमंत्री थे, उनके काल में यहां दंगा हुआ, दंगा महीनों चला, छिटपुट दंगा चला, अहमदाबाद में शुरू हुआ था, वो रुकता ही नहीं था। बाद में एक आयोग बना, उस आयोग ने उसकी जांच की और जांच में कहा कि यह प्रशासनिक ढिलाई का एक दुष्परिणाम है, यहाँ के मुख्यमंत्री के अंदर, यहाँ के प्रशासन के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण जिस तरीके से रोक लगनी चाहिए ये रोक नहीं लगा पा रहे। कृष्ण आयोग का रिपोर्ट थी, उसमें यह टिप्पणी की गई है, नरेंद्र मोदी ने तो तत्काल नियंत्रित कर दिया था, लेकिन इसको उन्होंने दुष्प्रचार किया। वामपंथी दल है, देश के अंदर रहने वाली दुष्ट ताकतें हैं, ऐसी ताकतें जिनकी निष्ठा विदेशों में है, जो यहां रहकर आतंकवादियों को आमंत्रित करते हैं, आतंकवादियों को यहां बुलाकर विस्फोट कराते हैं। अहमदाबाद में कितने बार विस्फोट हुआ, सूरत में भी विस्फोट हुआ था, लेकिन वो जिंदा बम पकड़ लिया गया, सूरत उससे बच गया था। ये लगातार होता रहा है, ये दुष्ट ताकतें, उन ताकतों के द्वारा यहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश चली थी, उन ताकतों के द्वारा दुनिया के अंदर गुजरात को बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया था, और इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दुनिया के अंदर गुजरात के ऊपर लांछित करने का, अगर किसी के ऊपर जबरदस्त आरोप लगाया जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, ऐसी कांग्रेस को तो गुजरात में आने का नैतिक अधिकार है भी नहीं, लेकिन उन्होंने किया, और उसे दुनिया के किसी कोने में चले जाइए तो लोग कहते हैं अरे गुजरात जहां गोधरा हुआ था, ये चर्चा करते हैं, गोधरा कौन जानता है, लेकिन ये दुष्प्रचार किसने किया। दंगे तो बहुत जगह हुए, बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन गुजरात जहां गोधरा हुआ था ये कह करके यहां की सरकार को बदनाम करना, यहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करना, विदेशों में घृणा का भाव पैदा करना, गुजरातियों के प्रति नफरत पैदा करना, ये काम गुजरात ने, ये कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को माफ नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिकता का प्रतीक बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात में गोधरा हुआ था उसको बड़े प्रभावी तरीके से कंट्रोल करने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन ताकतों का भी मुकाबला किया, और गुजरात की 6 करोड़ की जनता का भी ध्यान रखा। उनको यह भी चिंता हुई कि गुजरात में अगर 65% 70% खेडूत हैं, किसान हैं, लोग गांव में रहते हैं, तो इनका कैसा इंतजाम करना चाहिए। तो जहां सिंचाई का इंतजाम नहीं था, वहां चेक डैम बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की, नदियों को जोड़कर पानी पहुंचाने का इंतजाम किया, नए नए बीज दिए,
खाद का इंतजाम किया, अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ सके इसके लिए कीटनाशक दवाओं का इंतजाम किया, किसानों को नई टेक्निक के बारे में जानकारी दी और नतीजा हुआ कि खेती के जरिए से उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ा, किसानों के अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ और किसानों को लगा कि एक हमारा रहनुमा यहाँ आ गया है जो हमें किसी भी हालत में परेशान नहीं होने देगा। और खेती की विकास दर जब नरेंद्र मोदी आए थे तो 4-5% थी, और खेती का विकास दर आज 13% हो गया है, 14% हो गया है, और 2-4 वर्षों में आगे चलकर 18% हो सकता है, 20% हो सकता है। हिंदुस्तान में सबसे अधिक खेती की विकास दर गुजरात के अंदर हो सकती है, आगे चलकर हम देखेंगे। ये नरेंद्र मोदी के प्रयत्न के कारण हुआ है। सभी क्षेत्रों में सिंचाई का इंतजाम, पानी की व्यवस्था, बिजली का इंतजाम, गुजरात में बिजली कोई अधिक उत्पादित नहीं थी, नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो उसे 5,000 मेगावाट बिजली थी, 5 वर्ष के अंदर बढ़कर 12,000 मेगावाट बिजली हुई और अब तो बेतहाशा बिजली बढ़ी है। उन्होंने इस तरह का प्रबंधन किया कि गांव में बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए, किसानों को बिजली के जरिए से सिंचाई का भी हम ठीक से इंतजाम करेंगे और साथ ही साथ अगर उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत खेती है जहां खाद्यान्न पैदा होता है, जहां कच्चा माल तैयार होता है, वही उत्पादन का दूसरा स्रोत औद्योगिक विकास भी है। तो जहां उन्होंने किसानों के लिए चिंता की, जहां उन्होंने खेती के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न किया, वही उन्होंने यह भी तय किया कि गुजरात में उद्योगों का जाल बिछना चाहिए, औद्योगिक घरानों को यहां बुलाना चाहिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए, गांव में आमतौर पर परंपरागत छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको भी बढ़ाकर उसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी बातें सोचकर नरेंद्र जी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको सेज कहते हैं, जो बंजर जमीन पड़ी हुई थी और बंजर जमीनों को औद्योगिक विकास के लिए उद्योगपतियों को भी दिया, सरकारी स्तर पर भी लिया, वहां उद्योग भी बढ़ा, आवासीय सुविधाएं बढ़ी, आम नागरिकों को उससे लाभ भी प्राप्त हुआ और एक तरह से उत्पादन के दोनों स्रोत को बढ़ाया, रोजगार के दोनों स्रोत को बढ़ाया, खेती में भी रोजगार ज्यादा मिलता है और उद्योग में भी रोजगार ज्यादा मिलता है, फैक्ट्री ज्यादा खुलेगी तो ज्यादा से ज्यादा हाथ काम करेंगे उसमें, उसमें टेक्निकल हैंड्स भी चाहिए, सामान्य काम करने वाले लोग चाहिए, मिट्टी को काटने वाले अनस्किल्ड लोग भी चाहिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार के लोगों को जो बेकारी की जिंदगी बिता रहे थे सबको समायोजित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने निर्माण के कार्य को अधिक बढ़ाया, उद्योग के अधिक बढ़ाया, खेती के काम को नई दिशा प्रदान की और नौजवानों के अंदर एक विश्वास का संचार करा। इससे बढ़कर के उपलब्धि और क्या हो सकती है, ये किसी भी प्रदेश में नहीं हुई, केवल गुजरात में हुई है और इसी का नतीजा है आम आदमी महसूस करता है कि हमारा विकास हुआ है। हम आंकड़े नहीं देना चाहते क्योंकि आपको महसूस आप महसूस करते हैं। या कानून व्यवस्था इतनी ठीक है
रात को माँ बहने कहीं भी घूमती फिरती भी जा सकती है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं, क्योंकि अनुभव करती है कि हम नरेंद्र मोदी के शासन में हैं, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है। निर्बल गरीब आदमी कहीं भी यात्रा कर सकता है, क्योंकि सुरक्षा का विश्वास उसके मन मस्तिष्क में बना हुआ है। विकास के काम को आगे बढ़ाया, सुरक्षा के भाव को पैदा किया, गांव गांव में बिजली दी, घर घर में पानी दिया, मां बहनों के रसोई को पकाने के लिए उन्होंने गैस का भी इंतजाम कर दिया था, पाइपलाइन लगाने की व्यवस्था की थी। लेकिन आपको जानकारी है कि कांग्रेसियों ने कहा कि नहीं नहीं तुम नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं लगा सकता है, सस्ते दर पर गैस मिल जाएगी, गैस उपलब्ध रहेगी पाइपलाइन के द्वारा। अब गुजरात में तो गेल भी है, गैस की कमी नहीं है, पाइप का इंतजाम है, 20 लाख परिवारों में हम गैस दे सकेंगे, और सिलेंडर जितना भी है आप ले जाओ दूसरे प्रदेशों में दो। केंद्र सरकार का 1000 करोड़ से ज्यादा वो फायदा कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं नहीं हम गुजरात के गरीब लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, सामान्य लोगों को रसोई पकाने की सुविधा हम नहीं देंगे, चाहे तुम जितना भी करो। ये कांग्रेस के लोगों ने किया, उन्होंने रुकवा दिया, पाइपलाइन रुकवा दिया, केंद्र सरकार ने रुकवाया। कर रही है, केंद्र का काम है, केंद्र का काम है तो क्यों नहीं कर रहे हो, किसने रोका है? तुम्हारे अंदर इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है? गुजरात के प्रति जो आत्मीयता का भाव होना चाहिए, अपने पर का भाव होना चाहिए, ये कांग्रेसियों के अंदर गुजरात के प्रति अपने पर का भाव नहीं है, इसलिए उनका दुस्साहस नहीं होता है आपके बीच में आकर आपसे वोट मांगने का, क्योंकि उन्होंने गुजरात को ध्वस्त किया है, गुजरात को त्रस्त किया है, गुजरात को बर्बाद किया है। गुजरात को किसी ने अगर उठाया तो नरेंद्र मोदी ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया। मैं जो कांग्रेस के जमाने में गांव में सड़कें नहीं थी, मैं तो गुजरात में बहुत घुमा, हर चुनाव में मुझे आने का मौका मिलता था, और मैं तो जीप से भी मोटरसाइकिल से भी गुजरात के गांव गांव में गया, और मैंने देखा है कि क्या धूल धूसरित सड़कें। पता नहीं आप तो लोग उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के भी होंगे, तो जो ऐसी सड़क रहती थी धूल धूसरित उसको कोर बोलते थे, कोर, जिसमें ना वाहन चल सकता था, कार नहीं चल सकती थी, जीप बड़ी मुश्किल से चलती थी, दोनों तरफ गुजरात में कटीले पौधे रहते थे, बीच में धूल रहता था, पैदल भी नहीं चल सकते थे। ये हालत कांग्रेस के रोन बना के रखी। अरे अब तो जब गुजरात में हम चुनाव के दौरान गांव में जाते हैं, मैं अभी गया था गोधरा जिले में ही, पंचमहाल जिले में, अभी इस बार के चुनाव गांव के इलाके में, सुदूर गांव में सड़कें देखकर के मैं ताज्जुब करने लगा। हमें जब भाषण कर रहे थे हमने कहा कि कौन सा बाकोर स्थान है, नहीं बाकोर, वहां मैं भाषण कर रहा था, एकदम बिल्कुल गांव का इलाका, ये नाट वाला कौन सा विधानसभा है, तो उसे भाषण करते समय एक सज्जन खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि साहब उत्तर प्रदेश में जो हाईवे है, चाहे स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे है, उससे अच्छी सड़क इस समय गुजरात में गांव की हो गई है, गांव की हो गई। ये बात सही कहा उन्होंने, जब उस सड़क पर गए पूरे गुजरात में सड़कों की जाल, कुछ ही गांव ऐसे होंगे जिस गांव में सड़क न बनी हो।
किसी भी विकसित प्रदेश के लिए, किसी भी विकसित देश के लिए ये सड़क आधार स्तंभ है। सड़क नहीं है तो समझ लीजिए कि उस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। जाने का स्थान ही नहीं है, कोई जा ही नहीं पाएगा, फिर इंडस्ट्री कैसे लगेगी, दुकान कैसे चलेगी। सड़क महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, उससे पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यह आधारभूत ढांचे हैं। सड़कों का विस्तार, बिजली हर गांव में। अब बिजली हर गांव में इसलिए ये जो टेक्निकल अरर मैनेजमेंट है, जो बिजली का प्रबंधन है, इतना स्पष्ट लोगों के द्वारा ठीक से किया गया है कि अगर एक गांव में बिजली चली गई तो दूसरे फेज वाली बिजली तुरंत आ जाती है। ये मैं देखकर ताज्जुब किया था, मैं गया था, घुमा था, तो मैंने नरेंद्र भाई से पूछा था कि नरेंद्र जी ये बताइए ये कैसे आपने करिश्मा किया। तो उन्होंने कहा कलराज जी इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ टेक्निकल एनालिटिकल दृष्टि से जो बहुत जानकार थे उनको लगाकर बकायदे पहले कागज पर नक्शे पर हिसाब लगा, गांव को ध्यान में रखकर कितनी फेज बनाई जाए ताकि गांव में कभी बिजली की कमी ना हो, वो फेज तैयार किया गया। वहां से पता किया गया कि इस समय जाती है तो कैसे दूसरे फेज की बिजली आ जाए, उसका बड़ा उचित प्रबंधन। और इसलिए गुजरात में बिजली की कमी नहीं, 2400 घंटे बिजली केवल हिंदुस्तान भर में केवल एक ही प्रदेश है उसका नाम गुजरात, जिसको 2400 घंटे बिजली मिलती है। ये अद्भुत प्रबंधन, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है। हमारे उत्तर भारतीय लोग भी काफी पाठशालाएं चलाते हैं, विद्यालय चलाते हैं, अधिकाधिक विद्यालय खोलकर जब साक्षर ही नहीं बनाया जाए तो गुजरात के प्रतिभा संपन्न बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसके कारण किसी दूसरे प्रदेश में उनको न जाना पड़े। अगर टेक्निकल एजुकेशन लेनी है तो यहीं ले लो, मेडिकल एजुकेशन लेनी है तो यहीं ले लो, मैनेजमेंट की एजुकेशन लेनी है तो यहीं ले लो, कहीं बाहर भाग के नहीं जाना। यह प्रबंधन नरेंद्र मोदी का है। अस्पताल में दवाई, मां बहनों को अगर प्रसव करनी है तो उसकी सुविधाएं 48 घंटे पूरे अस्पताल में उसकी ठीक से निरीक्षण, और खेल खिलाड़ी योजना के अंदर खेल खिलाड़ी योजना, इसके अंदर बहनों को भी बच्चे को भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर पर चले जाएं, इसकी व्यवस्था। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ लेकिन गुजरात में किया है। जो विकास किया गुजरात में उसका लगातार मॉनिटरिंग जांच पड़ताल, केवल अधिकारी नहीं, पैसा जितना खर्च किया है वो लगा है कि नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री अपने टीम के साथ रथ यात्रा निकाल कर वर्ष में दो दो बार जाते हैं, आम आदमी से संवाद स्थापित करते हैं। और इस बार तो पिछले साल उन्होंने मेले लगाए थे, खेती मेला लगाया था, कृषि मेला, ध्यान है कि नहीं, कृषि मेला लगाया था। कृषि मेला में जाकर किसानों से संपर्क स्थापित करते हुए 45 लाख किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। अब मैंने बात को बताया, गरीब मेला लगाया था, गरीब मेला लगाकर उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश किया। और अगर बीमार है तो बीमारी से निपटारा कैसे हो सकता है, उसके लिए सुविधा प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। हार्ट के बीमार को, किडनी के बीमार को, कैंसर के बीमारी को 1 लाख रुपया तत्काल
अब पूरा ठीक हो जाए तो बाद में उसकी भी व्यवस्था। सरपंचों का सम्मेलन किया है, 17,000 सरपंच हैं, सबके बीच में सारी बातें की, उनकी कठिनाइयों को समझा और वो कहा कि अगर तुम्हारे गांव में कोई दिक्कत परेशानी आती है, कुछ लोगों को साथ में जोड़कर चलना पड़ता है, तुम्हारे खर्चे होंगे तो आकस्मिक निधि में 10,000 रुपया हर सरपंच को उन्होंने देने का ऐलान किया। 13,000 करोड़ रुपया इसमें व्यय हुआ है। गांव वालों को लगा कि हाँ ये हमारा, हम भी इस सरकार में सहभागी हैं, ये हमारा मुख्यमंत्री है। स्वास्थ्य मेला, शिक्षा मेला, कृषि मेला, गरीब मेला, नौजवानों का मेला, नौजवानों को कंप्यूटर, लड़कियों को, लड़कों को, और उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोफॉल, उस कंपनी के लोगों के द्वारा ट्रेनिंग देना ताकि गांव में बैठे हुए लोग भी कंप्यूटर के जरिए से महत्वपूर्ण काम कर सकें, यह व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने किया है। हर दृष्टि से गुजरात सक्षम हो, यहां का नौजवान आत्मनिर्भर हो, यहां के आम आदमी आत्मविश्वास के साथ काम करने वाले हों, लोगों के मन के अंदर शासन के प्रति सुरक्षा का भाव हो। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जो प्रतिनिधि हूं, गुजरात के 6 करोड़ जनता का प्रतिनिधि हूं। जबकि कांग्रेस वाले बाकी के लोग नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता का प्रतीक मानते हैं। नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम 6 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, गुजरात का जो विकास हो रहा है 6 करोड़ लोगों के एकजुटता के आधार पर, सामूहिक सहयोग के कारण ये गुजरात का निरंतर विकास हो रहा है, एक एक आदमी इसमें जुड़ा हुआ है। केवल नरेंद्र मोदी का योगदान नहीं है, गुजरात के इन बच्चों का भी योगदान है। अपने अपने श्रेय नहीं ले रहे हैं, तो गुजरात की जनता को श्रेय दे रहे हैं। और इसलिए इन्होंने केवल हिंदुस्तान को नहीं, पूरे दुनिया को यह दिखाने का प्रयत्न किया कि देखो हमारे गुजरात में मुसलमान, हमारे गुजरात में यहूदी, हमारे गुजरात में पारसी, हमारे गुजरात में ईसाई, हमारे गुजरात में सिख, हमारे गुजरात में किसी भी पंथ को मानने वाला होगा, किसी भी मजहब को मानने वाला होगा, सबके बीच में सद्भाव है, सबके बीच में अपनापन है। और इसे नरेंद्र मोदी ने सद्भाव, सद्भावना मिशन, सद्भावना मिशन का स्थापना किया। ऐलान करते हुए कि सबको साथ में जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, सद्भावना यात्राएं की, दुनिया वालों को लगा कि कैसा व्यक्तित्व वाला आदमी है नरेंद्र मोदी ने। चाहे सामाजिक एकजुटता हो, चाहे सामाजिक सद्भाव हो, चाहे गुजरात का आर्थिक विकास हो, चाहे गुजरात का कृषि विकास हो, चाहे गुजरात का शैक्षिक विकास हो, चाहे गुजरात के लोगों के अंदर स्वस्थ रहने की मानसिकता का जागरण हो, चाहे गुजरात के अंदर पर्यावरण का संतुलन हो, चाहे गुजरात का औद्योगिक विकास हो, हर दृष्टि से नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अंदर गुजरात को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके गुजरात को ही नहीं प्रतिष्ठित किया, पूरे हिंदुस्तान को प्रतिष्ठित करने का एक विश्वास दिलाया है। ऐसे नरेंद्र मोदी यहां के मुख्यमंत्री हैं। जो आरोप लगा रहे कांग्रेसी लोग, उनकी हालत क्या है? महंगाई आसमान छू रही है, माताएं बहने बैठी हुई है, इस समय नमक का क्या दाम है? आप तो खरीदती होंगी ना नमक, नमक जानती है ना कि नहीं? नमक का मीठा मीठू
नमक का क्या दाम है? 16 रुपया ना? 16 रुपया। ये खुला वाला या पैकेज वाला? वही भाव है। और अटल जी के जमाने में नमक का भाव कितना था? 2 रुपया था। 2 रुपया आपको याद है ना? बहन जी को याद है, उस समय 2 रुपया। और इस समय नमक का, जो नमक गरीब आदमी रोटी बनाकर, नमक को बोरन बनाकर उसमें कुछ तेल डालकर, या तो सरसों का तेल होता नहीं होगा या तो मूंगफली का तेल चलता है, सरसों का तेल हम लोगों की तरफ होता है, उसको डालकर खाते हैं लोग। ऐसे सरसों के तेल का दाम क्या है? वो भी 100 रुपया है। अटल जी के जमाने में उसका दाम 16 रुपया था। चीनी का दाम इस समय क्या है? 45 रुपया। कितना है? 40 रुपया है। उस समय 11 रुपया था। जो आम आदमी खाता है, जो आम आदमी उपभोग करता है, उन सारी चीजों का दाम इस सरकार ने बढ़ा दिया। खाद्यान्न का घोटाला हुआ है। गेहूं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों में बांट दो, नहीं बांटा, गेहूं सड़ गया, बाहर से मंगाई गई। 40,000 मीट्रिक टन दाल बाहर से इंपोर्ट की गई, बंदरगाह पर पड़ी रह गई, सड़ गई। बड़ा ईश्वर वो संसद में भी उठा था। कांग्रेस सरकार घोटाले की सरकार है, कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, कांग्रेस सरकार महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, कांग्रेस सरकार धोखेबाजों की सरकार है। और एक प्रामाणिकता युक्त नेतृत्व गुजरात को आगे बढ़ाने वाला ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के जीवन के अंदर राहत प्रदान करने वाली सरकार है। इसके बीच में हमें चुनाव करना है। देश की सुरक्षा को आज खतरा पैदा हो गया है। एफडीआई के कारण विदेशी ताकतों को घुसने का, आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रण करने का इस सरकार ने एक अवसर दे दिया। एफडीआई आपकी दुकान समाप्त हो जाएगी, रिटेलर्स बेचारे किनारे हो जाएंगे, वॉलमार्ट हावी हो जाएगा, क्योंकि पैसे से खरीद लिया है। कांग्रेस वाले पैसे ही समय छा रहे, कहते पैसे लो, खाओ पियो मौज करो। चारवाक साहब थे ना अपने यहां, कहते थे यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। कहां पुनर्जन्म होने वाला है? खाओ पियो मौज रहो, कर्जा लेके घी पियो, यही कांग्रेस सरकार कर रही है। और अब तो उन्होंने एक दूसरी चीज करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा जो सब्सिडी देते हैं, खाद पर या तेल पर या कहीं भी, यहाँ की सब्सिडी तो उन्होंने काट ली। केरोसिन ऑयल की सब्सिडी उन्होंने काट ली थी। लेकिन जो सब्सिडी दे रहे हैं, तो कांग्रेस वालों ने कहा कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, पैसा लोगों के पीछे दे देंगे, पैसा उनके खाते में पैसा जमा करेंगे। अरे क्या ये क्या भ्रष्टाचार का स्वरूप निर्माण कर रहे हो? उनको सब्सिडी चाहिए, कम दाम की खाद चाहिए, कम दाम का केरोसिन चाहिए, कम दाम की चीज चाहिए। आप उनके खाते में पैसा डालकर भ्रष्ट बनाने की साजिश कर रहे हैं। हमने कहा कांग्रेसियों क्यों कर रहे हो? तो कहते हम करेंगे क्योंकि हम पैसे में बड़ा विश्वास करते हैं, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं कुछ हो सकता, इसलिए आम आदमी को पैसा देकर भ्रष्ट बनाने का हमने अभियान छेड़ा है। और कहते हैं टका करता टका भरता, टका मोक्ष प्रदायिनः, जस्य गेहे टका नास्ति, जिस घर में टका नहीं, हाय टका टक टकायते, हाय टका टक टकायते। वो पैसा भेज रहे हैं, भ्रष्ट बना रहे हैं। मैं तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को किनारे फेंक दो। कांग्रेस हताश है, निराश है, उसके नेता अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कांग्रेस को हताश निराश है तो ऐसे लोगों को सुला दो, और प्रेम से कम उनको ये विश्वास हो कि भारतीय जनता पार्टी या यहाँ की जनता
कांग्रेस को भी अंत में दफनाने में कोई संकोच नहीं करेगी, शांति पूर्वक उनका दफन हो जाएगा, शायद परलोक उनका बन जाएगा, परलोक बन जाएगा। मित्रों गुजरात में ऐसा ही कर दो, गुजरात में एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी प्रभावी मतों से विजयी होगी, आप विजयी बनाइए, एक एक मतदाता को ले जाकर मतदान बूथ पर ईवीएम के मशीन पर जो बटन है कमल के निशान वाली, बटन के सामने कमल का निशान, दूसरे तरफ संगीता जी हैं, यहां से संगीता पाटिल जी यहां के विधायिका, उनका नाम, उस बटन को दबाइए, कमल को खिलाइए, एक एक व्यक्ति यहाँ का कमल का फूल है, एक एक व्यक्ति यहाँ का उम्मीदवार है, ये मानकर संकल्प लेकर एक एक वोट हम कमल के निशान पर डलवाएंगे, ये संकल्प लेकर आप आगे बढ़िए और 13 दिसंबर को प्रभावी मतों से यहाँ के धारा सभ्य को विजयी बनाइए, यही मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग इस बात का ध्यान रखते हैं और प्रभावी मतों से यहाँ के उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। इतनी बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।